विधानसभा हलका मजीठा च अज कांग्रेस नूं उस वेले वड्डा झटका लग्या है जदों 15 दे करीब कांग्रेसी परिवार श्रोमणी अकाली दल विच शामिल हो गए हन, जिन्हां दा श्रोमणी अकाली दल विच आउण ते सीनियर अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया वल्लों निघा स्वागत किया गया है। बिक्रम सिंह मजीठिया ने इस मौके कहा है कि पार्टी च आउण वाले वर्करां दा निघा स्वागत होवेगा। उन्हें कहा है कि सारे लोगों का हुण कांग्रेस तो मोह पूरी तरह ना भंग हो चुका है, यही कारण है कि लोग श्रोमणी अकाली दल का पल्ला फड़ रहे हैं। साढ़े चार साल कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के लोगों नाल सिर्फ ते सिर्फ धोखा किया, चाहे वह किसान है, चाहे नौजवान है, चाहे वह मुलाजम है, चाहे वह व्यापारी है, चाहे इंडस्ट्री है, हरेक नाल ही ठगी बारी। और हुण इन्हां दी पुठी गिनती शुरू है, जिथे आम वड्डी गिनती च पिंडां चों शहरां चों आम लोग शामिल हो रहे हैं, उत्थी कई वड्डे लीडर कई वड्डे चेहरे भी आने वाले समय च कांग्रेस पार्टी नूं छड्ड के श्रोमणी अकाली दल विच शामिल हो रहे हैं। सर, देखा गया कि पिछले जो कांग्रेस ने अपने ही मंत्री के जो एस सी कोटे के देखो, ये चिट्ठी असी लिखी सी भैन जी ने केंद्र की सरकार नूं ते केंद्र दे वजीर नूं चिट्ठी लिखी सी, क्योंकि जिहड़ा एस सी स्कॉलरशिप का हिस्सा कुछ सेंटर चों आउंदा है ते कुछ पंजाब चों पैंदा। अज एस सी विद्यार्थियों नूं कॉलेज वो जाना छड्ड गए, लखां बच्चियां ने जो बादल साहब वेले एक गिनती 4-5 लाख स्टूडेंट ते पहुँच गई सी, जिन्हां नूं एससी स्कॉलरशिप मिलती सी, उस कॉलेज जांदे सी, आपदी डिग्री करके पंजाब दी तरक्की लई योगदान वड्डा पा रहे सी। 17 तो हुण तक लखां बच्चियां दा भविख मारन वाली कांग्रेस सरकार ने केवल भविख नहीं मारिया, जिहड़े पैसे आए सी सेंटर तों, जिन्हां दा हक वी नहीं बणदा सी, उह 'च कपलेबाजी करके करोड़ां ही रुपया इन्हां दा वजीर धर्मसोत खा गया सी। और इस गल दी इनकुआइरी किसे होर ने नहीं, जिहड़ा सैकटरी उहदे नाल सी, चीफ सैकटरी दे रैंक दा अफसर है कृपा शंकर सरोज, उन्होंने आपदी इनवैसटीगेशन च मुख्यमंत्री नूं इह गल लिखी कि यह मंत्री काला बाजारी कर रहा, चोर बाजारी कर रहा, यह नौ बच्चों का भविख मार रहा। मगर उस मंत्री के खिलाफ तो एक्शन होया नहीं, उस सैकटरी नूं बदलता। अज फिर असी उदों ही हिसाब ला लिया कि पंजाब सरकार ने कुछ नहीं करना, इन्होंने दलित विद्यार्थियों नाल धरोह कमाउणा। असी सेंटर नूं चिट्ठी लिखी कि इहदी पूरी जांच होवे, चलो साल डेढ़ साल लग गया, मगर अज CBI की इनकुआइरी शुरू हो गई है। बड़ी छेती तुसी वेखोगे कि जिन्हां मंत्री ने घपला किया इहदे खिलाफ़ भी कार्रवाई होऊ, और जिन्हां ने इहनूं क्लीन चिट दित्ती अफसरों ने उन्हां खिलाफ़ भी मिली भुगती कार्रवाई होगी, ते बच्चों तक फिर ये वजीफा पहुँचाया जाऊगा, इन्हों तो कढ़ा के बच्चों नूं दिता जाऊगा। CM ने 4.5 साल से कोई जिहड़े समझौते सीगे बिजली बोर्ड दे, कोई रद्द नहीं कीते, हुण जदों इलैक्शन नेड़े आ गए ने, रौला भी पिया, हुण रद्द करन नूं अज ने। वेखो, एक गल तुहानूं समझण की लोड़ है कि जदों साडी सरकार सी ना, उदों बिजली का रेट सी 5 रुपया, इन्हां समझौतियां ते अज उही सरकार बदल गई है, और कांग्रेस की सरकार च बिजली का रेट पहुँच गया 7.5 से 9-10 रुपये तक, जिहदी कंजम्पशन के हिसाब नाल उदों हो। ये बेईमान सोच है, जिहड़ा कोई ये बहानेबाजी है कि PPA नूं जिम्मे ठहरा दो, कारगुजारी कांग्रेस की माड़ी, तो ठहरा तुसीं PPA नूं माड़ा दिओ, फिर उदों 5 रुपये किवें मिलती सी, बत्ती उदों 24 घंटे किवें आउंदी सी, उदों किवें नवें कनैक्शन दिते जा रहे सी, उदों बंबियां तक मोटरां तक किवें बिजली पहुँचती सी, उदों तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये सारी एक आपदी कमी पेशी अपनी माड़ी कारगुजारी नूं लुकाउण लई कांग्रेस ने फॉर्मूला अपनाया, जी सद के ये जो मर्जी रद्द करन, मगर लोगों नूं 24 घंटे बत्ती मिले, मुख मुद्दा यह है सस्ती बिजली मिले। सर, ओलंपिक दे विच हाकी दे अज क्वार्टर फाइनल दे विच प्रवेश कर लिया, 4 बच्चे जिहड़े खासकर अमृतसर जिले दे सी, देखो गुरु कृपा करन, हॉकी च हमेशा पंजाब के खिडारियों ने बहुत वड्डा नाम कमाया, और पंजाब की इस धरती ने बहुत वड्डे वड्डे खिडारी पैदा किए हैं। मैनू आस है, उम्मीद है कि ओलंपिक च बहुत शानदार जित हासिल करके आउणगे, पंजाब के देश का नाम रोशन। और मैं अज
10-15 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਰਪਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ ਤਰਗੜ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਮਾਰ ਲਏ, TA ਮਾਰ ਲਏ, DA ਮਾਰ ਲਏ, 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਜ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ NPA ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅੱਜ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ।